नारनौंद के ही रहने वाले 21 वर्षीय रोहित की देर रात उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके शव को एक पेड़ पर लटका दिया गया ताकि आत्महत्या लगे। आज सुबह नारनौंद पुलिस को हत्या की जानकारी मिली तो नारनौंद पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। वहीं इसकी जानकारी हांसी डीएसपी को दी गई। हांसी के डीएसपी नरेंद्र कादियान भी मौके पर पहुंचे। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हांसी के डीएसपी नरेंद्र कादियान का कहना है कि हमें सूचना मिली थी कि एक युवक की हत्या कर दी गई है। इसकी जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए हैं और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। पहली दृष्टि यह एक हत्या है। हमने अज्ञात के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं राजू का कहना है कि कल रात को 8 बजे बिजली जाने के बाद घर से घूमने के लिए निकला था। देर रात घर ना पहुंचने के कारण उसकी खोज दिन शुरू की गई लेकिन रात को कोई पता नहीं चल पाया। सुबह किसी ने घर पर जानकारी दी कि उनके लड़के का शव एक पेड़ पर लटका हुआ है। इसके बाद की जानकारी मिलते ही पूरा परिवार नहर की तरफ दौड़ पड़ा। वहां देखा तो उनके लड़के की गला रेतकर हत्या कर एक पेड़ से उसको लटका दिया गया था, जिसके बाद हमने पुलिस को इसकी जानकारी दी। एफएसएल टीम के डॉक्टर अजय का कहना है कि डेड बॉडी के गले पर कट का निशान है, एक दो जगह खून लगा हुआ है। बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही असली तथ्य सामने आएंगे। नारनौंद से जाट टीवी न्यूज के लिए हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट। देखो अभी डेड बॉडी का मुआयना किया है, गले को कट का निशान है और पेड़ से लटकी हुई तो लटका हुआ साइड में, तो पोस्टमार्टम हो जाए एक बार, फिर उसके बाद सारी ऑब्जर्वेशन मिला के रिकंस्ट्रक्शन के साथ देखें क्या करते हैं। सर ये है, कल शाम को लाइट गई 8 बजे, ये घूमने के लिए घर पे बोला कि मैं घूम के आऊँ, तो काफ़ी देर इंतजार किया घर क्या ना, ये नहीं पूछ रुपया घर पर। फिर इसकी छानबीन करी जी शाम में, इसका कहीं पता नहीं लगा। सुबह फिर परडी से कोई जा रहा था बग्घी लेके, तो उसने किसी घर पे बताया कि ऐसे ऐसे बात है, उसका जिगड़ा कट रखा था और पेट पटांग रखा था जी। ये सूचना मिली थी, सूचना के ऊपर जो ना हम आए हैं, डॉक्टर साहब भी आए हैं फैसल से, तो बस यही है कि भाई ये मर्डर है, तो इसमें हमने 302 की FIR लॉन्च की है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी है। तो कोई शख्स अभी तो किसी पे शक जाहिर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जल्दी ट्रेस हो जाएगा हमें उम्मीद है।